राजकीय लोहिया कॉलेज में त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखवाई गई ईवीएम 4 चार जून को होगी मतगणना चुरू लोकसभा सीट की आठ विधानसभा क्षेत्रों में हुए मतदान के बाद अब तेरह प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला चार जून को होगा चूरू के राजकीय लोहिया कॉलेज पहुंची वोटिंग मशीनें कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना केंद्र के स्ट्रांग रूम में रखी गई है ईवीएम की सुरक्षा में कोई परिंदा भी पर ना मार सके कुछ ऐसे सुरक्षा के इंतजाम प्रशासन ने यहाँ किए हैं ईवीएम की सुरक्षा को लेकर यहाँ तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है परिसर में सीआरपीएफ, आरएसी और पुलिस के हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं तो परिसर में लगे दो दर्जन से अधिक सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जा रही है ये सुरक्षा व्यवस्था स्ट्रॉन्ग रूम खोले जाने तक रहेगी यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों को भी रजिस्टर में एंट्री करने के बाद प्रवेश दिया जा रहा है आपको बता दें कि 19 अप्रैल को चुरू लोकसभा सीट के लिए दो मतदान केंद्रों पर पोलिंग हुई चुरू लोकसभा क्षेत्र में तिरसठ प्रतिशत मतदान हुआ चुरू लोकसभा क्षेत्र के कुल बाईस लाख तेरह हजार मतदाताओं में से चौदह लाख सात हजार सात सौ सो सोलह मतदाताओं ने मतदान किया यहां कांग्रेस के राहुल कसवा और भाजपा के देवेंद्र झाझड़िया के बीच सीधा मुकाबला है चूरू लोकसभा सीट पर कुल तेरह प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं मतदान के बाद अब चार जून को मतगणना होगी